नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ममता पटवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हैं हम बद्री विशाल जी के प्रांगण में और यहाँ पर आते ही सुंदर बर्फ़ के दर्शन हमें आते ही हो चुके हैं। आप देख रहे हैं बद्री विशाल प्रांगण जनपद चमोली। अभी हम हैं बद्रीनाथ के बिल्कुल मुहाने पे। ये आप देख सकते हैं बद्रीनाथ में सजी हुई दुकानें। ये थोड़ा सा अगर मैं दूर से एक इस तरफ का मंदिर की तरफ का व्यू अगर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, और जो बिल्कुल एग्जैक्ट मंदिर है थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो पोर्शन है ये बद्रीनाथ धाम का है। अभी थोड़ा नजदीक जा करके भी देखेंगे हम। धीरे धीरे कदमों से बद्री विशाल जी के प्रांगण की तरफ चलते हुए और जस्ट बगल में है एक पुलिया जो कि अलकनंदा नदी के ऊपर बनी हुई है। अभी आप पहुंच चुके, ये हैं हमारे पारिवारिक सदस्य और ये है बब्बू और नब्बू तथा ये जिम्मी और ये हमारे लवेश सिंह पटवाल और साथ में घर के पारिवारिक अन्य सदस्य। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे बना हुआ है, बसा हुआ है। तो ये जो नदी अभी दिख रही है ये अलकनंदा नदी है। तथा पुलिया से होते हुए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। आगे हम बढ़ रहे हैं स्नान कुंड की तरफ, जिसमें दो प्रकार के स्नान कुंड हैं, एक महिला स्नान कुंड और एक पुरुष स्नान कुंड। तो बद्रीनाथ जी के दर्शन से पहले इन दोनों तप्त कुंडों में स्त्रियों पुरुषों को नहा के जाना अनिवार्य होता है। और दोनों जो तप्त कुंड हैं ये बिल्कुल एकदम तप्त कुंड, इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ बहुत खौलता हुआ गर्म पानी आता है। अभी आप जो देख रहे हैं वह है पुरुष स्नान कुंड। ऊपर को बहती हुई जो भाप है गर्मी की वो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे इस कुंड से जो निकल रही है, तो काफ़ी खौलता हुआ पानी यहाँ पर आता है। माना जाता है कि इन कुंडों में नहाने से शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। और अब हम चलते हैं महिला स्नान कुंड की तरफ। तो यहाँ पर जो महिलाओं का स्नान कार्यक्रम भी हो रहा होगा आज, क्योंकि आज इन कुंडों की सफाई हो रही है इसलिए आपको काफ़ी कम लोग यहाँ पर स्नान करते हुए इस समय दिख रहे हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं और लाइन लगाते हैं क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। अभी आप जो देख रहे हैं काफ़ी गति के साथ हम निकल रहे हैं, हमने अपना नंबर जो है पहले लगा चुके हैं और हम लाइन को देखने के लिए कि कहाँ तक लगी हुई है, तो हम गए पीछे तक और पीछे से आगे को आ रहे हैं वीडियो बनाते हुए। और आप देख रहे होंगे कि कितनी लंबी लाइन है, लगभग 1.5 किलोमीटर खचाखच भरी हुई लाइन यहाँ पर लगी हुई है। देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनमें से कुछ लोग हैं, जिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नंबर शायद कल को आएगा दर्शन करने के लिए और आज शायद ही वो दर्शन कर पाए। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। इस दौरान हम चलते जा रहे हैं आगे को, क्योंकि हमारे जो अन्य पारिवारिक सदस्य और साथी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको हमने लाइन में खड़ा किया है, आगे वे लाइन पर लगे हुए हैं। इसके बाद हम जा करके सीधे अपने स्थान पर लग जाएंगे जहाँ पर हमारा निर्धारित स्थान है। सुबह 11 बजे से हम लाइन पर लगे हैं और अभी समय लगभग 2:15 हो चुका है और अब तक हमारा नंबर जो है नहीं आ पाया है। चलते हैं अपनी जगह पर, देखते हैं कि और कितना समय हमें यहाँ पर लगता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन है। ये हमारे अन्य साथी हैं तो बब्बू यहाँ पर चली गई है, 2-3 साथी और हमारे इनसे आगे भी होंगे जिनमें बड़े भाई साहब और ममता होंगी,
ये सामने खड़े हैं, पीछे देख रहे हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं कि अपने जो साथी हैं, अपने जो पारिवारिक सदस्य हैं, उनके साथ अंदर लाइन पर लग जाते हैं अब। और मंदिर के हम काफ़ी समीप आ चुके हैं, लेकिन ये 1 किलोमीटर का जो सफ़र लाइन पर लग करके हमने तय किया, उसको तय करने में तकरीबन हमें 3 घंटे लग चुके हैं। चल कोई नहीं, एक मिनट, फोटो नहीं। और ये बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए काफी भीड़ है, काफी भीड़ हो रखी है, लंबी लाइन है, पीछे 1 किलोमीटर तक की लाइन लगी है। इनको निकलने तो अभी हमारे वो पीछे आप आगे से लगते हैं। अभी आप देख रहे हैं सुंदर हस्तशिल्प का नमूना, कितनी सुंदरता के साथ इसको सजोया गया है और बनाया गया है। काफी भीड़ भाड़ का यहाँ पर लगी हुई है, दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं। 2-3 लाख श्रद्धालु यहाँ पर इस समय विराजमान होंगे, जिनमें देश विदेश, दूर नजदीक के सभी प्रकार के यहाँ पर रहते हैं। अधिकतर पर्यटक इनमें से काफी दूर दराज यानी कि अन्य राज्यों से आए हुए हैं, जैसे केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों से। तो बद्रीनाथ की सुंदरता जो है वो देखते ही बनती है। तो दोस्तों अभी हम बद्री विशाल के गेट पर, और विशाल भाई आइए 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 भीड़ उमड़ी हुई है, और अरे छोड़ दे भाई, नींद नहीं हो पाएगा। अरे इतना टाइम ना है भैया, उछलने के लिए जगह चाहिए होती है। हरिद्वार जय जय हिमालय, जय हरि हरिद्वार जय जय हिमालय, जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदार जय जय हिमालय, जय काशी केदार जय जय हिमालय। नीलकंठ जय त्रिशूल जय जय हो चौखंबा, नीलकंठ जय त्रिशूल जय जय हो चौखंबा, पंचचूली नंदा देवी जय तेरी गौमुख, पंचचूली नंदा देवी जय तेरी गौमुख, शिव ज्यों की तपोभूमि, शिव ज्यों की तपोभूमि, पार्वती को मैं तर्ज
जय जय हिमालय पार्वती को मैं तर जय जय हिमालय जय जय हो बद्रीनाथ जय जय हो बद्रीनाथ जय काशी केदार जय जय हिमालय 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 जय जय हिमालय जय जय हिमालय जय जय हिमालय जय जय हो बद्रीनाथ जय जय हो बद्रीनाथ जय काशी केदार जय जय हिमालय जय काशी केदार जय जय हिमालय नीलकंठ जय त्रिशूल जय जय ऊंचो खंबा नीलकंठ जय त्रिशूल जय जय ऊंचो खंबा पंचचूल नंद देवी जय तेरी गौमुखा पंचचूल नंद देवी जय तेरी गौमुखा शिवजू की तपोभूमि शिवजू की तपोभूमि पार्वती को मैं तर जय जय हिमालय पार्वती को मैं तर जय जय हिमालय जय जय हो बद्रीनाथ जय जय हो बद्रीनाथ जय काशी केदार जय जय हिमालय 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 जय जय हिमालय जय जय हिमालय।